ओके गाइस, आज हम बात करेंगे आर्डिनो बोर्ड्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्डिनो क्या चीज़ है। आर्डिनो बेसिकली इटली की एक कंपनी है जो ये सर्किट बोर्ड्स बनाती है, और इन सर्किट बोर्ड्स को भी आर्डिनो ही कहा जाता है। आप यूँ समझ लें कि ये जो हैं ये छोटे कंप्यूटर्स हैं, दीज आर टाइनी कंप्यूटर्स, जिससे आप प्रोसेसिंग का काम ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। आर्डिनो की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं सिंपल आर्डिनो है, इसको आर्डिनो उनो कहते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर आर्डिनो मेगा है जो साइज़ में उनो से बड़ा है, और फिर आर्डिनो नैनो है जो साइज़ में उनो से छोटा है। इस वीडियो में हम आर्डिनो उनो को डिस्कस करेंगे, बाकी बोर्ड्स भी तकरीबन इसी तरह मिलते जुलते हैं। और इसी तरह से दूसरे आर्डिनो भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लूटूथ की फैसिलिटी लगाना चाह रहे हैं आर्डिनो के अंदर, या आप उसके अंदर नेटवर्किंग की फैसिलिटी लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास फैंसी आर्डिनो बोर्ड्स भी मौजूद हैं। तो आइए इसके हार्डवेयर को स्टडी करते हैं। आर्डिनो के अंदर जो मेन चीज़ है वो उसका माइक्रो कंट्रोलर है, जिसके हमने प्रोग्रामिंग करनी है। ये माइक्रो कंट्रोलर है जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, हमने बेसिकली इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। आर्डिनो को लोग समझते हैं कि ये बजाते खुद एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये गलतफहमी है। आर्डिनो जो है वो पूरे सर्किट बोर्ड का नाम है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है तो आप अपना माइक्रो कंट्रोलर अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ फिर आपको अपने सर्किट बनाना पड़ेगा खुद से। तो आर्डिनो ने आपको एक आसानी दी है कि उन्होंने एक रेडीमेड सर्किट बोर्ड आपके लिए बना दिया है, जिसको आप जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आर्डिनो इज़ नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर, इट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट बोर्ड। माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर जो लगा हुआ है वो उसका नाम है ATmega32, और ये एक कंपनी है एटमेल नाम की, ये माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं। ATmega32 इसका नाम है। आर्डिनो के अंदर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक USB पावर केबल नज़र आती है। आर्डिनो के साथ नॉर्मली हमारे पास तरह की केबल मौजूद होती है, जिसके एक एंड हम यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो दूसरा एंड है वो USB है, वो हम सिंपल अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग के वक्त भी हम इसको यूज़ करेंगे, इसी तरह इसको हम पावर देने के लिए भी यही केबल इसके साथ यूज़ की जा सकती है। पर साथ साथ अगर हम देखें तो आर्डिनो के अंदर एक बैरल जैक भी मौजूद है। अगर आप इसके साथ एडाप्टर से इसको करंट देना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास ये बैरल जैक मौजूद है 9 वोल्ट्स का। फिर इस बैरल जैकेट के साथ ही हमारे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर मौजूद है। ये वोल्टेज रेगुलेटर 9 वोल्ट्स को कन्वर्ट कर देगा 5 वोल्ट्स के अंदर। यहाँ पे हमें एक रीसेट बटन भी नज़र आ रहा है। इस रीसेट बटन की मदद से हम अपने आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को अगर हम रीबूट करना चाहें तो फिर हमें ये रिसेट बटन प्रेस करेंगे। आर्डिनो की दोनों तरफ हमारे पास पिन कनेक्टर्स मौजूद हैं। ये पिन कनेक्टर्स जो हैं इनकी मदद से हम आर्डिनो को कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें पावर पिन्स नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा एम्पेयर्स की पावर जो है वो हम ना प्रोवाइड करें, ये LEDs वगैरह को ऑन करने के लिए मोर देन इनफ है। डाउन हेयर वी कैन सी TX एंड RX पिन्स, ये यूज़ होती हैं सीरियल डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। फिर हमारे पास पिन्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 13। 2 to 13 पिन्स यूज़ हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड डिजिटल पिन्स, डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए ये पिन्स यूज़ होती हैं। तो आप वायर्स को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर इसी तरह से हम इनपुट भी प्रोवाइड करेंगे आर्डिनो बोर्ड को। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एनालॉग पिन्स मौजूद हैं, इनके साथ आप देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, A0 to A5। एनालॉग पिन्स कंटिन्यूस वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे मैंने बताया कि डिजिटल पिन्स, तो डिजिटल पिन पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 0 1 ही आ रहा हो। डिजिटल पिन्स के अंदर मे बी पॉसिबल के 5 वोल्ट्स आ रहा हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 1, और 0 वोल्ट आ रहा हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 0।
सो एनालॉग पिन्स बेसिकली यूज़ होती हैं कंटिन्यूस अगर वोल्टेज के अंदर चेंज आ रहा है फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट तो उसको मेजर करने के लिए आप एनालॉग पिन्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें आर्डिनो की डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमें आर्डिनो की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज arduino.cc। जब आपके पास ये मेन वेबसाइट खुल जाए arduino.cc की, तो यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर मेन्यू में आना है, और इस सॉफ्टवेयर मेन्यू के अंदर फिर आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड्स, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ आर्डिनो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। हम क्योंकि इसकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हम इस सेकंड ऑप्शन पे आएंगे। इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 1.8.10। आर्डिनो IDE हम डाउनलोड करना चाहते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अपनी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से यहाँ पर इन ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ डोनेशन देना चाहते हैं ताकि इस मूवमेंट को ज़्यादा अच्छा किया जा सके, तो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, यू कैन डाउनलोड इट फ्री, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन टू जस्ट डाउनलोड। ओके गाइस, अब हमने इस हमारे पास जो स्क्रीन आई है, तो यहाँ पे गेट का बटन है, इसको हमने क्लिक करना है। क्योंकि मेरे पास विंडो 10 इंस्टॉल है, इस वजह से यहाँ पर मुझे एक ऐप डाउनलोड करनी है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हुआ है। जी, ऐप ने डाउनलोड होना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे आप ऊपर इसका स्टेटस देख सकते हैं। ऐप जो है डाउनलोड हो चुकी है, आइए इसको लॉन्च करते हैं, आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।